सो भाई आईपीएल 2022 के लिए चेन्नई का कैंपेन खत्म हो चुका है और गाइस इनकी जो तैयारियां है वो आईपीएल 2023 के कैंपेन की स्टार्ट हो चुकी है। और गाइस इसी के कड़ी में काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है और वो निकल के आ रही है अंबती रायडू को लेके। हाँ गाइस अंबती रायडू को लेके यहाँ पे नए नए पटाखे यहाँ पे फूटते रहते हैं, कभी कुछ न्यूज निकल के आता है इनके बारे में, कभी एक तरीके से डिसीजन चेंज कर लेते हैं, कभी कोई डिसीजन बना लेते हैं। और गाइस इसी के बीच में एक और डिसीजन अंबती रायडू का निकल के आ रहा है और गाइस काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जो कि इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एमएस धोनी से भी रिलेटेड काफी बड़ी खबर निकल के आने वाली इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। सो गाइस फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन दबाइए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शानदार फैंटेसी ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, मेक माई विन। सो गाइस इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत बात यह रहने वाली है कि यहाँ पे आप अपनी फैंटेसी टीम अपने से ही बना सकते हैं और ये ऐप आपको टॉस के बाद खुद से आपके फैंटेसी टीम बना के दे सकता है और खुद से आपको जिता के दे सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मौजूद है, फटाफट से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस इसके साथ ही यहाँ पे पांच में से ऐसे चार लोग होते हैं यानी कि विन परसेंटेज 80% रहता है कि आप जीत के ही जाने वाले हैं, ये पूरी तरीके श्योर रहने वाला एक काफी बेहतरीन चीज है। और साथ में विथड्रॉल के भी यहाँ पे सिस्टम में आपको ज्यादा कोई चीजों की दिक्कत नहीं रहने वाली, सिर्फ आपसे यूपीआई आईडी के थ्रू आप यहाँ पे विथड्रॉल कर सकते हैं, आपसे कोई भी बैंक डिटेल्स यहाँ पे नहीं मांगी जाएगी, यानी कि ये भी चीजें काफी ना बेहतर कर दी गई है। और गाइस यहां पे फैंटेसी 11 बना के आप ज्यादा से ज्यादा रुपए जीतते हुए नजर आ सकते हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड करके मजा लेना स्टार्ट करिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अंबती रायडू की। सो गाइस अंबती रायडू ने साफ-साफ कह दिया है और इन्होंने बीसीसीआई को लेकर लिख दिया है कि मैं अपना जो डोमेस्टिक का संन्यास है वो तोड़ना चाहता हूं, यानी कि डोमेस्टिक जो क्रिकेट रहता है वहां पे ये खेलना चाहते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि अंबती रायडू जब सिर्फ आईपीएल से आईपीएल खेलेंगे तो ये चाहते हुए भी अपना फॉर्म वापस नहीं ला सकते, जैसा फॉर्म में अंबती रायडू चाहते हैं कि आईपीएल खेलें उस फॉर्म को ये हमेशा से थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। और गाइस इन सभी चीजों को देखते हुए अंबती रायडू ने यहाँ पे फाइनली फैसला कर लिया है कि वो आईपीएल 2023 के लिए अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। और गाइस इसी के कड़ी में उन्होंने अपना जो संन्यास है डोमेस्टिक का वो बीसीसीआई से कह के तोड़ देंगे और डोमेस्टिक में ऑटोमेटिकली आपका संन्यास आसानी से टूट जाता है और ये जो खेलने वाले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट वो बड़ौदा से खेलते हुए नजर आने वाले हैं। हाँ वही बड़ौदा टीम जहाँ पे हार्दिक और कृणाल डोमेस्टिक खेल के आए हैं, सेम उसी फ्रेंचाइजीज का ये हिस्सा रहने वाले हैं, उसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट एसोसिएशन का ये हिस्सा रहने वाले हैं। और बड़ौदा की तरफ से ये अपना अब जो भी डोमेस्टिक लीग रहने वाला जो मैचेस रहने वाले हैं वो खेलते हुए नजर आने वाले हैं, यानी कि काफी अच्छी खबर निकल के आ रही है सभी रायडू के फैन के लिए भी, चेन्नई के फैंस के लिए भी, कि अंबती रायडू थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हैं और एक साल तक वो क्रिकेट से दूर नहीं रहना चाहते और जितने भी डोमेस्टिक मैचेस रहेंगे वो खेलेंगे। और आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि जब अगला जो आईपीएल होगा वो इंडिया में ही होने वाला है, यानी कि जब आईपीएल इंडिया में होगा तो ऑटोमेटिकली फायदा काफी ज्यादा होने वाला है रायडू को, क्योंकि इंडियन कंडीशन का इन्हें अच्छी तरीके से अंदाजा रहेगा, हर पिचेस पे खेल चुके रहेंगे और अगले साल आके ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, चेन्नई को मैचेस जिता सकते हैं और ये चीजें काफी ज्यादा बेहतर रहने वाली है कि डोमेस्टिक मैचेस खेलने वाले हैं तो ये ऑटोमेटिकली काफी बेहतर यहाँ पे खबर निकल के आ रही है। और अंबती रायडू का इस तरीके से संन्यास तोड़ के अपने डोमेस्टिक मैचेस में खेलना, बड़ौदा के लिए खेलना, क्योंकि ये पहले हैदराबाद के लिए डोमेस्टिक मैचेस खेलते थे, अब उन्हें छोड़ दिया है, अब ये बड़ौदा की तरफ से खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अब हो सकता है जब डोमेस्टिक खेलेंगे तो ये अंडर कृणाल पांड्या के ही कप्तानी में खेलते हुए नजर आने वाले हैं, अब चीजें क्या रहती हैं वो आगे ही पता चलेंगी, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। और गाइस दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये भी निकल के आ रही है कि यहाँ पे अभी भी खबर है कि अंबती रायडू तो खेल ही रहे हैं, एमएस धोनी भी डोमेस्टिक मैचेस खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब इसके बारे में जो सभी न्यूज है सभी पता करके मैं कल बताने वाला हूँ कि आखिर एमएस धोनी कहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस खेलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये सब चीजें मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन अभी तक के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही निकल के आती और एमएस धोनी से रिलेटेड न्यूज मैं आपको कल देने वाला हूँ, क्योंकि अभी एक रूमर्स निकल के आ रहा है, अब पूरी कंफर्म न्यूज मैं आपको कल बताऊंगा कि क्या एमएस धोनी भी डोमेस्टिक मैचेस खेलने वाले हैं, खेलने वाले हैं तो कहाँ खेलने वाले हैं, ये सब चीजें बताने वाला हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं, आप मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ।